दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे आप 10 सेकंड में चेंज कर सकते हैं और भी कोई बिना ऐप्स के। ऐसे आपको सिर्फ आपका पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जो फोटो एडिट करने है, पिक्सर थे, उसके बाद लाइट रूम है, ये सब में फ़ोटो एडिट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आज मैं ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ आपको, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप फोटो शूट कीजिए और वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कीजिए वो भी चुटकियों में। तो वीडियो को देखते रहे एंड तक। इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना मनपसंद आपको जैसा चाहिए वैसा आप फोटो एडिट कर सकते हैं वो भी 10 सेकेंड में। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको फोटो एडिट करने में, सिर्फ 10 सेकेंड। वो आपका इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतना फास्ट है, आपका जैसा मर्जी वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आप ब्लर करना चाहते हो भी आपका DSLR जैसा ही फ़ोटो बना सकते हैं, आप जैसा मर्जी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं दिखा देता हूँ आप मेरा मोबाइल स्क्रीन पे जाके। तो मैं जाता हूँ आप मेरा मोबाइल स्क्रीन पे और आप देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड तक। वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा समझ आ जाएगा और आपको कोई ऐप का जरूरत ही नहीं पड़ेगा फोटो एडिट करने के लिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देखते रहे लास्ट तक, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरा मोबाइल स्क्रीन पर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ आपका मोबाइल पर तो क्रोम ब्राउज़र होगा ही, इस वाली ब्राउज़र, इस पर आप क्लिक करके इसको आप ओपन कर लेना है। इसके बाद आप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो गूगल लिखा है सर्च वाली, इस पर आपको टाइप करना है BG BG। इसके बाद आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, बहुत सारे यहाँ पे जो वीडियो बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इस वाले रिमूव PG पे क्लिक करना है। इसको इस पर क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो यहाँ पे लिखा है रिमूव इमेज बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिक एंड फ्री। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो की बैकग्राउंड चेंज किया है पहले से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपना फ़ोटो को अपलोड करना है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए अपलोड इमेज पर, इस पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो गैलरी से ले लेना है। तो आपका गैलरी में जो फोटो है ना इस पर क्लिक कीजिए आप ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपका गैलरी में चला जाएगा। गैलरी पे आने के बाद आपका जो फोल्डर में फ़ोटो है उसको लेने के लिए आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक लिस्ट आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर, रिसेंट, डाउनलोड, SD कार्ड, आपका जहाँ पे भी आपका फ़ोटो आप यहाँ से ले सकते। तो मेरा फ़ोटो है एल्बम पे, तो मैं क्लिक करता हूँ एल्बम पे। उसके बाद आपका जो फ़ोटो जिस फोल्डर पे आप ले सकते हैं, मेरा फ़ोटो है कैमरा पे, तो मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरा फ़ोटो ले लेता हूँ। मेरा फ़ोटो आप देख सकते हो रिमूव हो रहा है बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ अपलोडिंग हो रहा है, तो कुछ सेकंड लगेगा यहाँ पे, तो देख सकते 10-15-20। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोटो का बैकग्राउंड था वो पूरा बिल्कुल रिमूव हो गया है। देख सकते हैं पीछे जो है PNG वाला हो गया फ़ोटो आप। ठीक है, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है ब्लर, ठीक है, बैकग्राउंड। तो आपको अब जैसा आपका, अगर आपका गैलरी में कोई और भी अच्छा फ़ोटो है बैकग्राउंड, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोटो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा अब यहाँ पे जितना भी बैकग्राउंड है वही अच्छा है, तो मैं इसको एक बार सेट करके देखता हूँ ऐड करके। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से बन गया है मेरा फ़ोटो। पहले कैसा था, आप कैसा इतना अच्छा, अब इसको आप ब्लर करना चाहते हो तो ब्लर भी कर सकते हो। इसलिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्लिक। आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोटो का बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो गया, इतना अच्छा यार जैसा लग रहा है DSLR का जैसा फ़ोटो लग रहा है। ठीक है, आप अपना मोबाइल से, अपना मोबाइल से ही ऐसे अच्छी अच्छी फ़ोटो एडिट कर सकते हो, वो भी DSLR जैसा परफेक्ट।
तो अब मेरा जो फ़ोटो बन गया है, तो आप मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब आपको सेव कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, जो नीचे वाला तीर जैसा निशाना है इस पर क्लिक करके आप फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिए। जो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है यहाँ पे क्लिक कीजिए डाउनलोड पर, आपका फ़ोटो गैलरी पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर में नोटिफिकेशन आ गया, मेरा फ़ोटो डाउनलोड कंप्लीट हो गया। तो आपके यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड है, आपका मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका गैलरी पे भी है तो आप ऐड कर सकते हैं, अपना मनपसंद बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बाय, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो।